हार्डली 1.5-2 किलोमीटर है मेन गेट से। ये है पोहे कर रहे हैं सुभाष जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब बजे हैं सुबह के 7। हम लोग थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। जैसे हमने अपने पहले वाले एपिसोड का एंड में आपको बताया था कि हम लोग पटना देवी में जा रहे हैं। बिहार वाला पटना देवी नहीं, ये महाराष्ट्र वाला, इंडिया में महाराष्ट्र में जो एक पटना देवी है, सेंचुरी है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आज। बाद में हम लोग एक और बहुत सुंदर जगह पर जाएंगे, नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज का दिन एक्शन पैक्ड है। तो लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए, देखते रहिए वीडियो, और बीच बीच में आपसे मैं ऐसे बातें करता रहूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो आपको बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस दिखाता रहूँगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये वाला जो साइन है ना लाइक का, उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। पहुंच गए हैं पटना देवी सेंचुरी में। उसके गेट पर अभी हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पर हमारे एक अच्छे दोस्त बने हैं सुभाष भाई, जो जिनका यहाँ पे छोटा सा होटल ही है, और उनके साथ अब हम लोग चाय पियेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद आते वक्त उनके साथ हम पोहे करके एक बहुत बढ़िया डिश होती है महाराष्ट्र में, सो वो खाएंगे और वापस एक बार चाय पियेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग इमीडिएटली अब अंदर जाएंगे और सेंचुरी का मजा लेंगे, और एक बहुत सुंदर महादेव का मंदिर है। तो आज का ये एपिसोड हमारा होगा पटना देवी सेंचुरी के लिए। ये खुल रहा है गेट सेंचुरी का। पहुंच गए मंदिर के पास, यहाँ पर गाड़ी लगा रहे हैं। हार्डली 1.5-2 किलोमीटर है मेन गेट से, अब जाएंगे मंदिर में। यहाँ पर इतनी पंछियों की आवाज़ें हैं, थोड़ा सा अभी आज टाइम छिड़ है तो थोड़ा सा पंछियों की आवाज़ें इतनी अच्छी अच्छी सुनने के बाद भी लोकेट करने में टाइम जाएगा, और आज सच में उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके लिए कई जगह पे आज विजिट देनी है, और आपके लिए वो जगह मुझे वीडियो में कैप्चर करनी है। अब यहाँ से आगे ये पाथ शुरू होता है। सैकड़ों साल पुराना होगा ये पेड़, लेकिन इसके रूट्स देखिए कितने सुंदर है। मंदिर देखने के बाद हम लोग वापस मेन गेट पर जाएंगे। सुभाष भाई वहाँ पर हमारे लिए नाश्ता रेडी रखेंगे, और नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस अंदर आएंगे। पहुँच गए हैं मंदिर। ये है महादेव जी का मंदिर। चलिए इस मंदिर को अब एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी सुंदर, बहुत शांत एरिया है। ऐसे लग रहा है कि यार यहीं पे एक रात क्यों ना गुजारे, लेकिन मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। बहुत सुंदर एरिया, बहुत बहुत सुंदर एरिया। अब ऊपर चलते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़कर, 10 सीढ़ियाँ है सिर्फ। सबसे पहले तो अब इस मंदिर को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इस मंदिर के लिए, जिसके ऊपर मैं अब खड़ा हूँ। इसके ऊपर ये सामने जो एक और प्लेटफॉर्म दिख रहा है, और उसके ऊपर मंदिर,
बाद में ये कुछ इसका रिपेयरिंग वर्क रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किया गया लग रहा है, लेकिन फिर भी पुराने पत्थर अभी भी इसमें आप देख सकते हैं। हाथी दिख रहे हैं लेकिन उनकी सूंड तोड़ी गई है। अभी किसने तोड़ी, क्यों तोड़ी, ये अलग टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। जरा इस मूर्ति की ओर देखिए, एक ही पत्थर में बनाई गई मूर्ति है, लेकिन आप आर पार भी देख सकते हैं उनके हाथ पैर से आर पार। छोटी सी भी अगर गलती हो जाती ये मूर्ति बनाने में तो ख़त्म काम, दूसरा बनाओ। कितनी सटीकता से ये सब नक्काशी की गई है, यानी जो कारागिर उनके होंगे जिन्होंने ये बनाया है वो कितने ज़बरदस्त होंगे ना। हर जगह पर हाथी दिखाई देंगे इस लेवल पर, फिर दूसरे लेवल पर मूर्तियां है, ऊपर ये खंबे। इस मूर्ति को देखिए, ठीक है खंबे तो अलग से लगाए दिख रहे हैं, लेकिन मूर्ति की नक्काशी देखिए, पैर के यहाँ हाथ के यहाँ आर पार आप देख सकते हैं। दुर्भाग्य से हाथ तोड़े गए हैं, पूरी बात है, क्या बताएं अभी, नो कमेंट्स इसके ऊपर, चिढ़ आती है ऐसी मेंटेलिटी पर। लेकिन ठीक है, अपने अपनी भुगतेंगे लोग पीढ़ियों तक, लेकिन जिस तरीके से नक्काशी की गई है उसे देखिए। आवाज पावशा की, पेरते वा पेरते वा पेरते वा। फार्मर्स को बोलता है ये पंछी कि आप बोना शुरू कर दो, बीज बोना शुरू कर दो। ऊपर का छत देखिए, उसका रिस्टोरेशन किया गया है। चलते हैं मंदिर में अंदर। 26 खंभे हैं इस मंदिर में। नक्काशी के बारे में बात करें तो लगभग एक जैसी ही नक्काशी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पैटर्न सेम है नक्काशी का। ये है नंदी, एज यूजुअल शिवलिंग के सामने नंदी, हर एक शिव मंदिर में होता है। यहाँ पर एक शिलालेख आप देख सकते हैं, ये इस गर्भगृह के बाहर जो खंभे हैं उनके डिजाइन। और चलते हैं अंदर। ये है महादेव जी का शिवलिंग। अब चलते हैं इस मंदिर से बाहर। ऊपर की छत रिस्टोरेशन किया गया है छत का। इस मंदिर की जो स्टाइल है वो हेमाडपंथी है, सिर्फ पत्थर एक के ऊपर एक रख के पूरा मंदिर तैयार किया गया है। हम आ गए मंदिर के बाहर, अब चलते हैं आगे
सब लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए आपको दिखाई देंगे। ये आ गया मेन गेट, ये है पोहे कर रहे हैं सुभाष जी, मन पसंद नाश्ता और टेस्टी भी होता है। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं मेन गेट पर, तो आप इनसे मिलके यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, आप इनसे चाय पी सकते हैं, इनको पहले बता के रखिए, आप अंदर जाके आइए और फिर आपको खाना भी मिल सकता है दोपहर का। ये यहीं पर होते हैं, यहीं पर रहते हैं, तो 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बहुत गर्म है, गर्मा गर्म पोहे हाथ में नहीं पकड़ सकते, कहीं पर रखने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसे नींबू निचोड़ेंगे और ये खाएंगे, डिलीशियस, बहुत डिलीशियस बनाए हैं। अब मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, पोहे खाने हैं, मज़ा ले लेके खाने हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इसी सेंचुरी में ये पटना देवी का मंदिर है, ये मंदिर देखने के लिए आए हैं। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, जैसे अभी हमने महादेव जी का मंदिर देखा, अब ये देखते हैं पटना देवी का मंदिर। इसे कहते हैं दीप माला, ओरिजिनल क्या, यहाँ पे दीप जलाए जाते हैं, काफी ऊंची है। ये है पटना देवी मंदिर, शूटिंग करना एक्चुअली यहाँ पर मना है अंदर, तो हमने थोड़ी सी परमिशन ले ली कि एटलीस्ट हम लोग बाहर से तो शूटिंग कर पाए। बारिश के समय यहाँ से पानी जोर शोर से बहता है, ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स यहाँ पर है। आई होप आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में इसी सीरीज़ के, जहां पर हम जाएंगे लोंजा फोर्ट में। लोंजा फोर्ट यहीं से लगी हुई है और एक छोटा सा अच्छा एक कॉम्पैक्ट किला है, तो चलिए फिर मिलते हैं लोंजा फोर्ट में। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ के गाँव वालों को इसका नाम पता नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ऑफबीट है। विक्की, सोमनाथ, दलवेशन, सचिन, योगेश, योगेश, राजू, और ये विक्की, विक्की, और ये मिलिंद, मिलिंद, और मैं जीवा। यहाँ पर बाबा जी के साथ बैठने के बाद बाबा जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। पानी भरने नीचे जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जैसे ही वो स्टेयरकेस चढ़ने में मज़ा आया,
उससे ज़्यादा मज़ा तो नीचे जाने में आएगा। गौतला सेंचुरी से जाते जाते एक बहुत सही नज़ारा मिला, और जैसे जैसे अच्छे अच्छे नज़ारे हमें मिल रहे हम लोग आपको दिखा रहे हैं, तो उसमें से ये एक नज़ारा देखिए ज़रा। जाते जाते ये एक बहुत प्राचीन कालीन बोल सकते हैं एक मंदिर दिखाई दिया है, तो हम ऐसे ही रुक गए। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या है।